इस ड्रामा के पार्ट थर्ड एंड इसके लास्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है अगर आपने अभी तक इसके बाकी के दो पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें बिना देखे तो आपको स्टोरी घंटा ही समझ में आएगी तो पहले उसे देखकर जरूर आएगा सो आर यू रेडी फुल्ला रेडी फुल्ला आप सभी में से कितने सारे लोग एक्साइटेड है ब्लैक पिंग कम बैक में सो so, वह वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है यहाँ पर पार्ट से मीनियो को काफी खुश होते हुए रूपटा पर जाता है यहाँ पर वो गेट आराम से गोलता है इतने मे ही सामने उसे जुनू तो नहीं दिखता की दिखता है हाईसू तभी हाइसू कहता है की काफी अच्छा लगा तुम्हें दोबारा देख कर तभी हाइसू कहता है कि मेरे पास एक ईजी सा एक यही तरीका था तुम्हें यहाँ पर बुलाने के लिए तभी यहाँ पर मेनू कहता की तुम्हें मुझे यहाँ पर बुलाने से मिलेगा क्या तुम करना क्या चाहते हो यहाँ पर मिन हुआ आग आगे घी और डाल लेता है और राजा हूँ ये तो तुम समझ ही सकते हो जुनू अपने रास्ते जा रहा होता है तभी यहाँ पर एक बंदा उसे बताता है जिसको मिनु को मैसेज पहुँचाने के लिए मैसेज पहुँचाने के लिए कहा था यहाँ पर वो कहता है कि जुनू तुम रूब टॉप भी नहीं हो तभी यहाँ पर जुनू कहता है कि मैं रूब क्या करूंगा तभी कहता है तो मैंने तो मेन्यू को वहाँ पर बुलाया था जो उन्होंने कहा था कि कब तो ये कहता है कि मुझे एक बंदे ने कहा था कि तुमने मेन्यू को रूपटॉप पर बुलाया है इसलिए मैंने मेन्यू को मैसेज भी डिलीवर कर दिया मुझे लगा तुम रूपटॉप पर हो गए इसलिए मैंने ऐसे ही पूछ लिया इसके बाद जुनू को पता चल जाता है कि अब कुछ गलत होने वाला है इसके बाद जो जल्दी से रूपटॉप की तरफ भागता है दोनों में तो कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई हो ही रही थी कि जुनू मेरा है मेरा है इतने में हाइसु से बताता है तुम्हें पता है कि जुनू ने एक इंसान को मारा है जैसे इंसान से वो उसके मर ही सकते हैं उसे प्यार कभी नहीं कर सकते ये बात अब तुम्हें समझ लेनी चाहिए यहाँ पर कहता है कि नहीं ये सब सच नहीं है जुनू किसी इंसान को नहीं मार सकता इस बात को मारने के लिए तैयार नहीं हु तभी यहाँ पर हाइसू कहता है कोई बात नहीं लेकिन अब तुम्हें मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए वो भी मेरे हाथों इसके बाद उसकी आइस रेड हो जाती है और अपने बेम्पायर फॉर्म में वो मेन्यू के करीब आने लगता है आफआर दैट वो मेन्यू को बाइट करने वाला ही होता है इतने में जुन वो जल्दी से आकर गेट खोलता है पर वो हाइसू को से दूर करता है इसके बाद वो हाइसो का गला पकड़ कर उसे भी पीछे की तरफ धकेलने लगता है सू जुनू की पकड़ से निकलने की पूरी कोशिश करता है पर जुनू उसे बिल्कुल भी मौका नहीं देता इसके बाद वो उसका गला इतनी तेज़ से पकड़ता है कि उसे अपने घुटनों पर बैठना पड़ता है हाईसो जुनू से कहता है कि तो तुम हमेशा कोई भी चीज़ें नहीं समझते हो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितने सालों से पसंद करता हूँ और तुमने पहले भी किसी इंसान के लिए मेरी फीलिंग्स को इग्नोर किया है तो मुझे हमेशा इग्नोर करते हो इसके बाद जुनू की पकड़ थोड़ी ढीली हो जाती है लेकिन फिर से उसका गला बड़े ज़ोर से पकड़ लेता है मतलब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हाइसो से लाइक करता है या नहीं करता है दरअसल मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे हाइसो के लिए ज़्यादा बुरा लग रहा है आई डोंट नो बट इट्स रियली हार्ड ब्रोकिंग उसका गला पकड़ते पकड़ते वो हाइसू को ऐसे ही मार देता है, है से पलट पलटवार भी नहीं करता वो करना चाहता तो वो कर सकता था बट उसने नहीं किया बिकॉज वो जुनू को दिलो जान से पसंद करता था यार इतनी बुरी मौत शायद किसी को ना दे हम बैक स्टोरी में जाते हैं यहाँ पर जब जुनू ने अपने लवर को मार दिया था सिर्फ और सिर्फ हाँसू ही उसके पास था और वो वनू को रोते हुए देखकर उसे संभालने की पूरी कोशिश करता है और कहता है कि तुम गलत नहीं किया वो सब कुछ तुमसे गलती से हो गया मैं समझ सकता हूँ और तुम्हें पता है ना मैं हमेशा से तुम्हारी साइड हूँ और तुम्हें ये सब भूलना पड़ेगा हमेशा के लिए यहाँ पर वो जुनू से कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा और आज उसी बंदे को जुनू ने जान से मार दिया आप सभी लोग क्या सोचते हैं बेचारे हाईसू की मौत के बारे में हाँ उसकी इंटेंशन थोड़ी गलत थी बट वो भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर तो सही था मतलब वो एक चीज तो ट्रूली अपने दिल से कर रहा था और वो है वो जुनू से प्यार करता था हाईसु देखते ही देखते वहीं पर गाया हो जाता है बिकॉज की मौत ऐसी होती है मेन्यूक की हालत और भी ज्यादा खराब थी बिकॉज उसने अभी अभी एक की मौत देखी थी वो भी जुनू के हाथों बाद मेन्यूक को लेकर वहां से चला जाता है आफ्टर दैट जुनू मीडियम से मिलने के लिए जाता है यहाँ पर वो इस बात के लिए परेशान थी कहीं मेनू को तो कुछ नहीं हुआ इसके बाद जुनू से पता था कि मेनू को कुछ नहीं हुआ तो वो कहती है की हाइसू का क्या हुआ क्या, उसके साथ कुछ गलत हो गया तभी यहाँ पर जुनू से बताता है कि मैंने हाइसु को मार दिया यहाँ पर प्रेसिडेंट मीरियम इस बात पर भी काफी शौक होती है प्रेसिडेंट मीरियम इस बात पर कुछ भी नहीं कह पाती बात कहती है तो तुम्हारा क्या तुमने मना डिसाइड किया है क्योंकि तुम अपने लिए तो कोई भी काम नहीं कर रहे हो मतलब तुमने मरना ही डिसाइड किया है इसके बाद वो रेसिडेंट मीडियम की कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है आवर दैट वो मेन्योग के पास जाता है यहाँ पर मेन्यू को टच करने की कोशिश करता है पर मेन्यू भी अभी जुनू से काफ़ी डरा हुआ था इसके बाद जुनू कहता है कि तो, तो तुम भी मुझसे डरने लगे मेनियो कोई भी जवाब नहीं देता यहाँ पर जुनू कहता है कि मैंने वो सब तुम्हें बचाने के लिए किया तभी मैन्यू कहता कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मैं सब कुछ जानता हूँ और तुमने जो भी किया मुझे पता है तुमने कुछ सोच समझ के ही किया होगा बिकॉज तुम मुझे लाइक करते हो इसीलिए ना दोनों झुनू के हाइड आउट पर होते हैं यहाँ पर मेन हीरो होकर झुनू का हाथ पकड़ता है और कहता है कि हम बस एक बात एक दूसरे से होनेस्टली बात करते हैं मुझे पता है कि तुम मेरा ब्लड इसलिए नहीं ले रहे हो बिकॉज तुम मुझे पसंद करते हो और तुम्हें लगता है कि कुछ वर्स्ट हो सकता है बट तुम मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तुमने मुझे काफ़ी हैप्पीनेस और इंटरेस्ट दिया है इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ और लंबी जी मैं नहीं चाहता कि ऐसे ही मर जाओ इसके बाद वो यहाँ पर कहता है कि तुम मेरा ब्लड ले सकते हो मैं सीरियसली सच में बोल रहा हूँ दरअसल मैं भी कोई बच्चा नहीं हूँ जो कि नॉर्मली थोड़ी से ब्लड से मर जाऊँगा बट तुम जिंदा रहने के लिए मेरा यूज कर सकते हो मैं इतने में जिंदा रह लूंगा क्या तुम बस मेरे लिए एक बार ही करोगे मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरा ब्लड लो ताकि तुम जिंदा रह सको लेकिन जुनू इस बात के लिए नहा बोलता है ना ही ना तो किसी बात के लिए तैयार था भी नहीं इसके बाद में जुनू को किस करता है यहाँ पर जुनू भी उसे किस करता है इसके बाद इन दोनों में काफ़ी रोमांटिक सा माहौल बन जाता है और ये हमारे आज के लव बर्ड्स इन दोनों का रोमांस तो काफ़ी रोमांटिक तरीके से चल ही रहा था बट यहाँ पर हम प्रेजिडेंट मीडियम की बात करें तो उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे बिकॉज उन्हें पता था कि कि जुनू के पास बिल्कुल थोड़ा सा टाइम बचा है और इसके बाद वो जल्दी थोड़े दिनों में मरने वाला है यहीं पर हम जुनू को देखते हैं जिसकी सुबह आँख खोलती है यहाँ पर मेन्यू को जस्ट उसके बगल में सो रहा था तभी यहाँ पर वो मेन्यू को जगाता है और कहता है क्या तुम्हारी नींद अच्छे से हुई मीनू कहता है कि तुम्हारी क्या क्या तुम ठीक हो तभी यहाँ पर जुनू कहता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है यहाँ पर मेनू कहता है कि हमें जल्दी चलना चाहिए हम क्लासेस के लिए काफ़ी लेट हैं ऑलरेडी नौ बज चुके हैं ट जुनू प्रेसिडेंट मेरियम से मिलने के जाता है यहाँ पे प्रेसिडेंट मेरीम कहती हैं क्या आप तुम्हारा दिल शांत है क्या आप तुम्हारी बॉडी अच्छे से काम कर रही है यहाँ पर वो कहती हैं कि मुझे लगता है कि शायद मीनू नहीं तो मैं काफ़ी हैप्पीनेस दी है तभी जुनू कहता है कि हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो मेनू को देखते हैं जो कि क्लास में सोते सोते सिर्फ जुनू और अपने ही सपने देख रहा था आफर दैट जुनू मेनू से मिलने के लिए आता है तभी वो उसे सॉरी बोलता है कि वो लेट हो गया यहीं पर मेनू को से गले लगा लेता है और कहता है कि बहुत ही परेशान हो जाता हूँ जब तुम तो मेरे सामने नहीं होते प्लीज मुझे छोड़कर इतनी आसानी से मत जाना यहाँ पर जुनू से कहता है क्या तुम्हें कुछ हुआ है तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है इसके बाद ये दोनों को हम हाई लाउट में देखते हैं ही जुनू से दोबारा कहता है कि तुम मेरा ब्लड ले लो तभी यहाँ पर जुनू कहता है तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ और टाइम बिताऊँ तभी मीनू वो कहता है कि हाँ वो तो मैं तुम्हें कितने दिनों से बोल रहा हूँ तभी यहाँ पर जुनू कहता है कि ठीक है तो हम कल ये काम करेंगे तभी यहाँ पर मीनू कहता है कि पक्का ना तुम कहीं भाग मत जाना तभी जुनू कहता है कि वो कहीं नहीं भागता और वो हमेशा से तुम्हारे साथ है इसके बाद जब मीनू जाता है तो जुनू उसे रिंग पहनाने के लिए होता है यहाँ पर वो उसे रिंग पहना ही रहा होता है तभी उसकी हालत ख़राब होने लगती है इसके बाद रिंग नीचे गिर जाती है और जुनू को दिखना बंद हो जाता है वो रिंग ढूंढने की पूरी कोशिश करता है बट उसे इतना भी नहीं दिख रहा था कि वो नीचे पड़ी हुई अपने सामने की रिंग को देख सके हाथ फैलाकर ढूंढता है बट उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था ना ही कुछ महसूस हो रहा था इसके बाद जुनू भागकर टॉप तो पर जाता है यहाँ पर उसकी हालत खराब हो रही थी वो अपने पर बैठ जाता है मीन पर आ जाता है और कहता है कि जुनू तुम्हें क्या हुआ क्या तुम अच्छा फील कर रहे हो तभी जुनू कहता है कि अब काफी देर हो गई है अब मेरा कुछ नहीं हो सकता तभी मीनू कहता है कि जल्दी तुम मेरा ब्लड ले सकते हो तभी जुनू कहता है कि अब कुछ भी काम नहीं करेगा मेरा अंसर मैं आ गया है मरने वाला हूँ इसके बाद मीनू उसे ढंग से बाय भी नहीं बोल पाता उसे आंसू बह ही जा रहे थे इसके बाद जुनू उस जगह से हमेशा के लिए गायब हो जाता है यहाँ पर मेन अभी से रोए जा रहा था बिकॉज उसने जुनू को ढंग से बाय भी नहीं बोल पाया इस बात से खुश था कि उसका लास्ट दिन भी मेन्यू के साथ निकला जो कि उसके लिए अच्छा दिन रहा है पहले तो मैनियोक उस जगह पे आने से काफी डरता था बिकॉज जुनू के बिना उसे वो जगह काफी स्कैरी लगती थी बट वो आज उस जगह पे आता है यहाँ पर उसे मेन्यू की कई सारी फोटोज भी मिलती है जिन्हें वो कलेक्ट कर लेता है उसे कहीं जगह पर मैन्योग बैठा भी दिखता है जो कि दरअसल उसकी सिर्फ इमेजिनेशन थी इसी के साथ ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है सो मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा के साथ थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग